पसंद है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए, मैंने एक किलो नॉर्मल चिकन लिया है, इसे छोटा छोटा टुकड़ा करवा लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने इसे धो के इसका पानी अच्छे से सुखा दिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने दो प्याज ले लिया है, इसे लंबा पतला काट लिया है मैंने। एक बॉल धनिया लिया है, उसे भी बारीक काट लिया है। अदरक लिया है एक टुकड़ा मैंने, इसे भी देखिए ऐसे बारीक काट लिया है मैंने। 8 हरा मिर्ची लिया है, इसे लंबा लंबा काट लिया है। थोड़ा सा करी पत्ता लिया है मैंने। 2 बड़ा स्पून मैंने काला मिर्ची पाउडर लिया है। नमक इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर हम 20 से 25 मिनट तक साइड में रख देंगे। ऐसे मैरिनेट करके इसे 20 से 25 मिनट तक रख देंगे। ये देखिए, मैंने एक छोटा बॉल तेल कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 3 प्याज लिया है, उसे भी मैंने लंबा लंबा और पतला काट लिया है। अब इसे हम एकदम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारा एकदम ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 20 से 25 मिनट तक ढक के पका लेंगे। बीच में 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसे हम वापस से हिला लेंगे ताकि ये नीचे से स्टिक ना हो। मिनट बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और 8 से 10 मिनट तक इसे पकने देंगे। ये देखिए, हमारा पेपर चिकन एकदम बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसका प्लेटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा पेपर चिकन अब बन के रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।